ओके माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल विल बी फाइन. सो इन दिस सेशन वी वुड गो एंड डिस्कशन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. इससे पहले हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ और उससे रिलेटेड कुछ मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कर लिया था, जिसमें हमने एफ इज इक्वल टू एम ए देखा था. ओके तो आज हम न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. हेडिंग डालिए थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन. थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ओके क्या कहता है और आपके इसके एक्सपीरियंस क्या हैं उसको आप ध्यान से सुनो. थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अपन लोग पंच बांधे और जोर से बोर्ड को पंच करिए, मारिए. क्या हो रहा है? हमें फील हो रहा है पेन. कहाँ? इस वाले हिस्से में. दूसरा, हमने तो फोर्स इस डायरेक्शन पे लगाया था, तो अपन हमने तो फोर्स सामने के डायरेक्शन पर लगाया था और फोर्स ऐसे अप्लाई की थी, लेकिन हमें फील क्यों हो रहा है पेन? क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ इसके बारे में कॉन्सेप्ट कहता है. दूसरा कौन सा नियम बता दूं मैं? आप जब आप फायरिंग करते हो, फायरिंग करते टाइम व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का मिलता है. क्यों? क्योंकि वह आगे फायरिंग करने की वजह से पीछे की ओर धक्का मिलता है. ये दूसरा एग्जांपल है. अपन लोग बॉल को जमीन पे पटकते हैं, वह इक्वल अमाउंट में फिर से वापस आ जाता है. तो ये क्या है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन की कुछ एग्जांपल हैं. लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हम इसको लिखें कैसे और क्या लिखेंगे कॉपी में. तो आप जो है इसके फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन लिखिए. थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, एवरी, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, एवरी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, एवरी एक्शन दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 एंड इक्वल टू द नंबर 7 एंड दिस इज द इक्वल टू द क्वेश्चन नंबर 8 देन सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 देन सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 देन सॉल्यूशन. क्या कहता है बेटा न्यूटन का थर्ड लॉ? कहता है कि हर एक एक्शन के इक्वल होता है अपोजिट रिएक्शन. कैसे? मैं जैसे कि कुछ एग्जांपल बताया, बॉल है, दिस इज द बॉल, जमीन पे पटकी गई, फोर्स यहाँ से यहाँ इधर अप्लाई हुआ, ये फोर्स मान लीजिए 5 जूल के हिसाब से अप्लाई हुआ, 5 न्यूटन के हिसाब से अप्लाई हुआ. तो ये बॉल जो है किधर आई बेटा? अर्थ की ओर आई. अब उसी अमाउंट पे इक्वल ही कंडीशन पे ये बॉल ऊपर की ओर जाएगी और इस डायरेक्शन पर आएगी. मतलब कि हमने फोर्स तो डाउन टू अर्थ लगाया, दैट्स द रीजन एवरी एक्शन इज, ये एक्शन हमने किया इक्वल है किसकी? अपोजिट रिएक्शन के, मतलब कि 5 न्यूटन के. ओके ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया आपका. दूसरा क्या कह रहा है? क्या बोला मैंने कि जब आप दीवार को पंच करते हो तो जो पेन फील होता है, ये इस चीज़ का एग्जांपल है कि जितना हमने फोर्स अप्लाई किया इधर इसको पीटने के लिए दीवार को, उतना ही फोर्स जो है दीवार ने हमारे हैंड पर लगाया. ओके इस वजह से हमें हैंड पे पेन फील होती है. तीसरा रिएक्शन आप देखते होंगे कि जो रॉकेट होते हैं बेटा, रॉकेट को ऊपर उड़ाते टाइम पे नीचे बहुत हाई स्पीड के साथ में जो है ईंधन के गैस ईंधन जलाए जाते हैं. इससे ईंधन जलाए जाने की वजह क्या है? ईंधन नीचे जलेगा, नीचे की ओर प्रेशर लगेगी और जो आपका रॉकेट है वह किधर जाएगा? अप टूवर्ड जाएगी. इसी वजह से जो रॉकेट होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं. ओके सो दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन और इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखवाए, वो आपने समझ लिए. इसके बारे में नेक्स्ट स्टडी करेंगे और मैथमेटिक्स कैलकुलेशन देखेंगे कुछ एग्जाम्पलों का. तब तक आप शानदार बने रहिए. थैंक यू. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.